नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं खास मुलाकात। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल समेत ईंधन के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग महंगाई का सामना कर रहे हैं और महंगाई से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल और डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरते स्तर ने अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। वहीं देश के सांसदों पर देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जा रहा है। सरकार एक सांसद पर एक साल में लगभग 72 लाख रुपए खर्च कर रही है, यानी 6 लाख रुपए महीना। बीते 4 वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों पर 15,54,000 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या है रिपोर्ट। सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई में खुलासा हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के वेतन भत्तों पर सरकारी खजाने से कुल 19,97,000 अरब रुपए की रकम खर्च की गई। इस भुगतान का हिसाब लगाने से पता चलता है कि हर लोकसभा सांसद ने प्रत्येक वर्ष औसतन 71.29 लाख रुपए के वेतन भत्ते हासिल किए, जबकि हर राज्यसभा सांसद को इस मद में प्रत्येक साल औसतन 44 लाख रुपए का भुगतान किया गया। मध्य प्रदेश के नीमच निवासी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने बताया कि लंबी मशक्कत के बाद उन्हें सूचना के अधिकार के तहत अलग अलग अर्जियों पर यह अहम जानकारी मिली। आरटीआई पर लोकसभा सचिवालय से मुहैया कराए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2014 से 15 लेकर वर्ष 2017 से 18 के बीच संसद के इस निचले सदन के सदस्यों के वेतन और भत्तों की अदायगी के लिए 15,54,20,71,416 यानी कि 15.54 अरब रुपए खर्च किए गए। लोकसभा की 545 जिसमें से 543 निर्वाचित जनप्रतिनिधि और एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 मनोनीत सदस्य शामिल हैं। किस सदस्य संख्या के आधार पर गणना करें तो पता चलता है कि 2014 और 15 से लेकर 2017-18 के बीच प्रत्येक साल हर लोकसभा सांसद को वेतन भत्तों के रूप में औसतन 71,29,390 रुपयों का भुगतान किया गया। राज्यसभा सचिवालय ने आरटीआई अर्जी पर बताया कि 2014 से 15 लेकर 2017 से 18 के बीच राज्यसभा सदस्यों को वेतन और भत्तों के रूप में कुल 4.43 अरब रुपए का भुगतान किया गया। राज्यसभा के 250 के सदस्य संख्या के बूते के हिसाब लगाने पर मालूम पड़ता है कि इस अवधि के दौरान प्रत्येक सांसद के वेतन भत्तों पर प्रत्येक साल औसतन 44,33,682 रुपये खर्च किए गए। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल सांसदों के भत्ते में इजाफा किया। इस साल अप्रैल में सांसद के वेतन और भत्ता कमेटी ने सांसदों की सैलरी में बदलाव की मंजूरी दे दी। सांसदों का संविधान भत्ता 45,000 से बढ़ाकर 70,000 किया गया। फर्नीचर भत्ता 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया। सांसदों के दफ्तर के खर्च के भत्ते को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 करने को मंजूरी दे दी गई। इस बढ़े हुए भत्ते से पहले किसी सांसद के परिश्रामिक में प्रतिमा 50,000 रुपये का मूल वेतन, 45,000 रुपये निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के अलावा अन्य सुविधाएं शामिल हुआ करती थी। सरकार एक सांसद पर लगभग 2.7 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च करती थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में 1 अप्रैल 2018 से वेतन, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कार्यालय व्यय और सांसदों को दिए जाने वाले मुलाकात भत्ते के पुनर्निर्धारण के लिए आवश्यक परिवर्तनों का प्रस्ताव पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इस कानून के तहत मुद्रास्फीति के अनुरूप प्रत्येक 5 वर्ष में सांसदों के वेतन में स्वतः संशोधन हो जाएगा।